ट्रंप पर हुआ हमला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोलियां चली हैं। ट्रंप घायल हो गए हैं। उनके दाहिने कान को छूकर गोली निकल गई। उनके दाहिने कान से खून निकलने लगा और उनके चेहरे पर भी खून के निशान देखे गए। वह पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे जब एक के बाद एक कई गोलियां चली। वीडियो में ट्रंप के कान पर खून दिखाई दे रहा है। सामने आई रैली की वीडियो में देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप गोलियां चलने के बाद वहीं पोडियम पर झुक जाते हैं। इसके बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट, उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। इस दौरान ट्रंप को देखा जा सकता है कि वह भीड़ की तरफ अपना हाथ उठाकर उन्हें संबोधित कर रहे हैं। सुरक्षित है ट्रंप, सीक्रेट सर्विस ने कहा। सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा कि ट्रंप सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के लिए उपाय लागू किए गए हैं। ट्रंप के मंच से उतरने के तुरंत बाद पुलिस ने रैली ग्राउंड को खाली करा दिया। सीक्रेट सर्विस इस गोलीबारी की हत्या की कोशिश के रूप में जांच कर रही है। इस बीच एफबीआई की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच में टीम सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर काम करेगी। यह रैली पेंसिल्वेनिया के ग्रेटर पिट्सबर्ग क्षेत्र के बटलर काउंटी में आयोजित की जा रही थी। बटलर काउंटी के जिला अटॉर्नी रिचर्ड गोल्डिंगर ने कहा कि संदिग्ध बंदूकधारी को मार गिराया गया है और रैली में शामिल कम से कम एक शख्स की भी मौत हुई है। एक अन्य के बारे में बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में है। हालांकि शूटर की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई है। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में क्या हुआ? पूर्व राष्ट्रपति की रैली में जैसे ही गोलियां चली, ट्रंप ने अपने दाहिने हाथ से अपना दाहिना कान पकड़ा, फिर उसे देखने के लिए अपना हाथ नीचे लाया और फिर पोडियम के पीछे घुटनों के बल बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत उन्हें घेर लिया। वे करीब एक मिनट बाद बाहर निकले। उनकी लाल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली टोपी उतर गई और वह रुक रुको कहते सुने गए। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन्हें गाड़ी में ले जाते हैं। इस घटना के बाद ट्रंप के दाहिने कान और चेहरे पर खून के निशान थे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के कान के पास खून कैसे आया और उन्हें चोट कैसे लगी। वीडियो में ट्रंप के दाहिने कान और चेहरे के दाहिने हिस्से पर खून लगा हुआ दिखाई दे रहा है।